हेलो गाइस वेलकम बैक टू एम बेंच आज है 21 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे इंफोसिस एंड सेंचुरी टेक्सटाइल्स लिमिटेड सो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेंचुरी टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में तो यहाँ पर ये एक स्मॉल कैप है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नाइन थाउजेंड करोड़ एक साल में तकरीबन हंड्रेड का रिटर्न दिया है फिफ्टी वीक का हाई थाउजेंड एंड फोर फिफ्टी टू वीक का लो थ्री जीरो वन पॉइंट सेवन फाइव तो सेंचुरी टेक्सटाइल यहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है ये ऑलमोस्ट अपने फिफ्टी टू वीक के हाई से फिफ्टीन परसेंट करप्ट हो चुका है और ये बाय करने का एक बढ़िया मौका है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजिशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एट टू एट के अराउंड फिफ्टी आप इसको बाई कर सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा एट हंड्रेड एंड एंड टारगेट होगा नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन समवेयर अराउंड हीयर यहाँ पर अगर हम फिफ्टी डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल के आ रहा है अराउंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट भी गुड है क्योंकि ये ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और देर इज़ नो एनी रेड फ्लैक्स और अगर हम एनालिस्ट की राय देखें तो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट एनालिस्ट इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं मैं यहाँ पर आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेके आया हूँ और यह कंपनी बी के बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज को बिलोंग करती है अगर हम इसके बिजनेस प्रोफाइल्स की बात करें वेटामिनिट सी ये इसका एक वेंचर है जिसका नाम है बिरला एस्टेट्स इसकी वेबसाइट के लिंक यहाँ पे है आप जाके देख सकते हो जो कंपनी का रियल एस्टेट का बिजनेस है वो 2016 में फाउंड हुआ था और ये रियल एस्टेट के सेक्टर में वर्क करती है और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो है रेसिडेंशियल कॉमर्शियल एंड रिटेल स्पेसेस अगर कंपनी के हम दूसरे सेगमेंट की बात करें तो बिरला सेंचुरीज जिनकी वेबसाइट यहाँ नीचे दी गई है आप उसको विजिट कर सकते हैं कंपनी का जो, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो फाउंड हुआ था 2009 में और कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो कॉटन टेक्सटाइल्स है कंपनी का थर्ड सेक्टर जो है सेंचुरी पल्प एंड पेपर्स इसकी वेबसाइट यहाँ दी गई है आप जाके फर्दर एनालाइज कर सकते हैं तो so, जो कंपनी का ये सेक्टर है पल्प एंड पेपर वो फाउंड हुआ था 1984 में और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो पल्प एंड पेपर से अगर हम कंपनी के अचीवमेंट के बारे में बात करें तो बिगला सेंचुरी प्लांट वॉज अ सिल्वर मेडल इन द इंडिया ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज 2020। अगर हम कंपनी के माइलस्टोन्स की बात करें द कंपनी 2016 में एंटरड द रियलिटी सेक्टर विद बिरला एस्टेट लॉन्च लाइफ डिजाइन ट्रेडमार्क वर्क स्पेसिस बिरला अरोरा एंड बिरला सेंचुरीशन इन 2019 नाइनटीन लॉन्च बिरला वन्य बिरला एस्टेट फर्स्ट लाइफ डिजाइन रेसिडेंशियल स्पेसिस इन 2019 नाइनटीन ऑल्सो डी मर्जर ऑफ सीमेंट डिविजन टू अल्ट्राटेक लिमिटेड सो गाइज सेंचुरी टेक्सटाइल आठ के लेवल पर अच्छा खासा हुआ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए आप पोजिशन बना सकते हैं सो लेट्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू इन्फोसिस लिमिटेड सो लेट्स एव अ क्विक लुक अबाउट इन्फोसिस लिमिटेड तो इन्फोसिस लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सेवन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फाइव करोड़ एक साल के रिटर्न की बात करें तो फिफ्टी एट पॉइंट फोर्टी फाइव परसेंट फिफ्टी टू वीक का हाई एटीन हंड्रेड एंड फोर्टी एट और फिफ्टी टू वीक का लो थाउजेंड एंड फिफ्टी वन और डिविडेंड यील्ड 1.52 परसेंट सो हियर डिविडेंड इज़ गुड एंट्री पॉइंट इज़ गुड बिकॉज दिस इज़ नॉट इन ओवरबोर्ड जोन और देर इज़ नो एनी रेड फ्लैक्स और एनालिस्ट की राय देखें तो तकरीबन 89 परसेंट एनालिस्ट बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो इंफोसिस लिमिटेड इज एंगेज इन कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज तो मैं यहाँ पे आपको इंफोसिस की वेबसाइट पे लेके आया हूँ अगर हम इसके सर्विसेज की बात करें तो इसका एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल कॉमर्स डिजिटल इंटरेक्शन, डिजिटल वर्क स्पेस सर्विसेस इनसाइट्स की बात करें तो एप्लाइड डे आई डेटा इनालिटी इनोवेट की बात करें ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग सर्विसेज इंटरनेट ऑफ थिंग अश्योर की बात करें साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग अगर हम एक्सलरेट की बात करें तो एंटरप्राइज एजल डेवलप्स API, Economy, Microservices, Application Modernization, Cloud Infosys, Cobalt, Digital Process Automation, Digital Supply Chain, SAP, Oracle, Microsoft Cloud Business, Salesforce, a Service Experience Transformation, etc. Or else there is a lot of more services like Application Development and Maintenance, Business Process Management right. Services, Incubating Emerging Offering. अगर हम इन्फोसिस के प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो एज वर्व इन्फोसिस फिनकल इन्फोसिस लाइव सूट इन्फोसिस निया इन्फोसिस कॉर्टेक्स पनाया इन्फोसिस इक्विन इन्फोसिस विंग्स पान इन्फोसिस हेलिक्स इन्फोसिस मेरिडियन एक्सेट्रा सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स वन डे चार्ट टू एनालाइज सम लेवल्स फॉर बाइंग अगर हम इन्फोसिस के 52 वीक की हाई क्या बात करें तो इसने 52 वीक का हाई बीस अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस को यानी कि कल अट्ठारह सौ अड़तालीस का बनाया था और वहाँ से ये ऑलमोस्ट हंड्रेड पॉइंट करेक्ट हो चुका है तो एक बढ़िया प्राइस है यहाँ पे पोजीशन बनाने का अगर हम फिफ्टी डेज़ के ई की बात करें तो वो निकल के आ रहा है सिक्सटीन हंड्रेड नाइन्टी फोर ये जो येलो कलर की लाइन से मैं जिक कर रहा हूँ वो फिफ्टी डेज़ के ई की लाइन है मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा और इसके नीचे जिसको मैं वाइट कलर के लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ ये ये हंड्रेड डेज़ का ई एम है जो निकल के आ रहा है सोलह सौ बाईस रुपये तो ये अगर यहाँ से तोड़ के नीचे आ जाए तो इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा अगर आप करंट मार्केट बाय करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं जो इंटरप्राइस रहेगा सत्रह सौ पचपन रुपये स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करूँगा सोलह सौ बासठ रुपये और टारगेट रहेगा दो हज़ार पैंसठ रुपये मैं यहाँ पर आपको एन एस की वेबसाइट पर लेके आया हूँ और अभी तकरीबन बज रहे दो बज के चौबीस मिनट यहाँ पे हम देखें तो ऑलमोस्ट इन्फोसिस आज टू पॉइंट सिक्सटी वन परसेंट डाउन है और इसमें अगर आज होने वाले कारोबार की बात करें अब तक जो क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है वो है फिफ्टी एट लेख और जो क्वान्टिटीज डिलीवर्ड हुई है वो है सिक्सटी यानी कि एक बहुत बड़ी क्वान्टिटी इसमें डिलीवर्ड हो चुकी है आज इसमें मैं काफ़ी अच्छी सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखने को मिली है क्योंकि आज जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे इसने हाई बनाया और वहाँ से ये स्टार्ट हो गया नीचे आने के लिए सो so गाइज़ ये एक बढ़िया मौका है बाई करने का सो गाइज़ किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और होप यू गाइज़ यू एंजॉयड द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन थैंक यू